कैसे आप सब, आज मैं आपके लिए लेकर आया एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग, जैसे मैंने बोला था, ह्यूमन एनाटॉमी सीखेंगे कि हम लोग कैसे बना सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ, तो मतलब इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आज की वीडियो में वो मतलब ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमें उसको ड्रॉ करना है, तो पहले हमको हमारे स्केलेटन का शेप समझना पड़ेगा। मैं इसी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको स्केलेटन का फोटो दे दूंगा, तो आप उसको देख के इधर ड्रॉ कर सकते हैं, या नहीं दे पाया तो आप कोई हो सके तो आप कोई दूसरी चीज़ में वो फ़ोटो ले लो, तो उससे आपको एकदम अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इस एनाटॉमी को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है रिबकेज, तीसरा पार्ट होता है पेल्विस एरिया, और आखिरी में लेग और हैंड आ जाते हैं। पर मेन पार्ट तीन ही है। पहला पार्ट हेड होता है, दूसरा पार्ट रिबकेज, तीसरा पार्ट ये पेल्विस एरिया, ठीक है। तो हम लोग हेड को देखते हुए फिर आएंगे हम लोग टॉर्सो या चेस्ट या रिबकेज पे आएंगे, फिर हम लोग पेल्विस एरिया पे आ जाएंगे, और फिर मैं आपको हैंड ड्रॉ करना सिखा दूंगा। तो अभी मैंने इधर एक ड्राइंग की थी, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये हेड का जो है मैंने स्कल ड्रॉ किया है, जो हमारा ह्यूमन स्कल होता है। तो अब हम लोग इस स्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक जॉ एरिया और ये ऊपर वाला जिसमें दो तीन चार कैविटीज आती हैं, तो ये वाला एरिया क्रोनियम बोलते हैं इसे। तो हम लोग ऐसा तो ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग इसका कोई सिंप्लीफाइड वर्जन निकालेंगे। तो हम लोगों ने वो निकाला है, तो हम लोग इस स्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, क्रोनियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक सर्कल बना देते हैं, ऐसे सर्कल बना देते हैं। सर्कल ज़्यादा एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, पर एक सर्कल बना देते हैं। और अभी जॉ को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो जॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक स्मॉल लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड में ऐसा कर देंगे, तो ये जॉ बन जाएगा। या तो आप जॉ को ज़रा ऐसे आउट भी निकाल सकते हैं, इन भी ले सकते हैं, वो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा जो हमारी हेड की वीडियो होगी उसमें। तो आप लोग ऐसे जॉ बना सकते हैं। हम लोग जैसे आपने इसमें देखा, इसमें मैंने एक लाइन बनाई, वैसे दो बननी चाहिए ऐसे लाइन, तो दो लाइन बनाते हम लोग। तो वो क्यों बनाते और किस लिए क्यों बनाते और कैसे बनाते वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो सबसे पहली लाइन है, ये वाली फर्स्ट लाइन जो है हमारी, फर्स्ट रिप्रेजेंट करते थे, जो पहली लाइन है वो हम लोग बनाते हैं, जो सबसे मेन होती है कि हमारा जो मतलब जो भी हम लोग एनाटॉमी बना रहे हैं, जो भी कैरेक्टर बना रहे हैं, वो किस साइड फेस कर रहे हैं, फ्रंट फेस कर रहा है, रिपोर्ट फेस कर रहा है, या पूरा पीछे बैकवर्ड फेस कर रहा है, साइड फेस कर रहा है, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। अगर वही लाइन मैंने अगर ऐसे सीधी बना दी, ये लाइन अगर मैंने ऐसे सीधी बना दी, मतलब वो फ्रंट फेस कर रहा है, पर अगर मैंने वही सीधे ऊपर में ड्रॉ करके बताता हूँ, हाँ वही चीज़ जो है मैंने ऐसे बना दी, तो अब आपको डिफरेंस आराम से दिख रहा है कि इसमें पता चल रहा है कि जो भी हमारा कैरेक्टर है वो सामने फेस कर रहा है, और ये हमारा कैरेक्टर है वो साइड फेस कर रहा है, मतलब थ्री फोर्थ फेस कर रहा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कभी भी हम लोग कोई भी डायरेक्शन में कोई भी फेस बनाएंगे, उसमें सिर्फ चेंज होता है वो है हमारा ये डायरेक्शन लाइन और हमारा जॉ का एरिया, सिर्फ यही चेंज होता है। ये क्रोनियम जो भी हम लोग बनाते हैं वो हमेशा सर्कल ही रहेगा, ताकि वो कौन से भी कहीं भी वो डायरेक्शन में फेस कर रहा हो पर वो सर्कल ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखने की है। तो और हम लोग दूसरी लाइन पे आते हैं, दूसरी लाइन हम लोग आई लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी का वो माथा बहुत बड़ा होता है तो फिर हम लोग उसका आई लेवल नीचे कर देंगे, अगर किसी का माथा छोटा है तो हम लोग ऊपर कर देंगे। मेनली वैसे बीच में रहता है, ऐसे बीच में रहता है वो, जॉके ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, तो वैसे ऊपर रहता है। और फिर हम लोगों ने अभी हेड देख लिया कि हम लोग हेड को बेसिक में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर इसमें यहाँ से अगर हम लोग बना रहे तो ऐसे नेक भी बना सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक सर्कल एडम एप्पल रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल बना देंगे, और साइड में हम लोग बना दे तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा साइड वाला नेक हो गया। तो अभी हम लोगों ने हेड पार्ट जो है हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग आते हैं चेस्ट में। तो अब एक दूसरा पेज लेते हैं, इसमें मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम लोग हेड पार्ट जो है वो बना के देख रहे हैं। तो हेड के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, एक सर्कल, नॉर्मल सर्कल। अभी ये जो मैं कैरेक्टर है वो फ्रंट में फेस कर रहा हुआ बना रहा हूँ, तो बीच में ये लाइन बीच में हो गई हमारी। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप तो ये कर सकते कि कभी आप जॉ पहले बना दें या लाइन पहले बना के फिर जॉ बनाएं, तो आप ये अपने ऊपर देख सकते कि आपको कौन सा इजी पड़ रहा है। तो मुझे पहले लाइन बना के फिर जॉ बनाना इजी पड़ता है, तो मैं वही करता हूँ। तो अभी मैं जॉ बना देता हूँ यहाँ पे। ये सब बहुत बेसिक है, पर ये जो है मेन चीज़ होती है, ये नहीं आया तो आपका एनाटॉमी। तो अब मैंने जो ड्रॉ कर लिया इसका, तो अब हम मैंने आपको जो बताया था दूसरी लाइन भी ड्रॉ करते हैं, जो हमारी आँखें कैसी हैं, हमारी आँखें ऊपर दिख रही नीचे दिख रही वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आँखों का अगर हम लोग देखें, तो अगर हमारी आँखें सीधा देख रही हैं, सीधा इन फ्रंट देख रही है, तो हम लोग उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। पर अगर हमारी आँखें ऊपर या नीचे की तरफ देख रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं।
अगर हमारी आंखें ऊपर देख रही है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, तो ये हमारी आंखें ऊपर देख रही है। और अगर हमारी आंखें नीचे देख रही होंगी, नीचे देख रही होगी हमारी आंखें, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे कर देंगे, थोड़ा बहुत कर्व करना है लाइन में, बस वही करना है। तो अभी इसको हम लोग ऐसे रहने देते कि हमारी आंखें नीचे देख रही हैं। फिर अभी हम लोगों को पोजेस बनाना है। हम बहुत सारे लोगों को पोजेस में बहुत प्रॉब्लम आती है, हम लोग कैसे पोज बना सकते हैं, कोई भी एनाटॉमी का वो हाथ डाल जाए जेब में, ऐसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम लोग एक नॉर्मल लाइन बना देंगे। ये हम लोगों ने लाइन बना दी। अगर आप अभी रिबकेज के मतलब कि वो स्केलेटन के स्ट्रक्चर में देखो तो आपको दिखेगा कि उसका शोल्डर पार्ट जो है वो हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे। तो उसका आप शोल्डर पार्ट देखो वो कैसे उसमें है, तो उसमें अगर आप उसमें देखोगे तो कुछ इस तरह का बोन निकलेगा और यहाँ पे ऐसे हैंड जाएगा। तो वैसा ना करके हम लोग कर देंगे, क्योंकि इसमें हम लोग सारी चीज़ें ही कर रहे हैं, तो हम लोग वैसा ना करके हम लोग नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा शोल्डर हो गया, मतलब शोल्डर लाइन। यहाँ से हमारी ऐसे नेक आ जाएगी, ये हमारी नेक हो गई। अब हम लोगों को पेल्विक एरिया ड्रॉ करना है, तो उसको भी हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। पर एक बात ध्यान में रखना, ये जो है हम लोगों ने जो शोल्डर लाइन ड्रॉ की है वो कभी भी पेल्विस एरिया से सीधा लाइन में नहीं मिलनी चाहिए। हमेशा पेल्विस एरिया की जो लाइन है वो शोल्डर से छोटी होनी चाहिए। अब वो कितनी छोटी होगी वो आप देख लो, पर वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे जाता है और यहाँ पे ऐसे हैंड आता है। तो वैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो हमेशा छोटी होती है पेल्विस एरिया की लाइन। तो अभी हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया है। अब बस हम लोग यहाँ पे तो सर्कल बना देंगे। ये सर्कल जो होते हैं वो शोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने ये तो सर्कल बना दिए। तो अभी आपको ये तो पता चल गया ये शोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाले सर्कल उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे जो लेग है वो कहाँ से शुरू हो रहे। तो अभी मैं इसको ऐसा दूंगा कि जिसने कोई तो भी चीज़ के ऊपर पैर रखा हुआ है, तो यहाँ पे समझ लो एक बॉक्स है, बॉक्स लिख देंगे, ये बॉक्स है। तो अभी उसने ऐसा यहाँ पे हम लोगों ने एक और सर्कल दिया, और ये इसको बहुत सारे लोग जो है ऐसे पीछे करके ड्रॉ नहीं करते, पर मैं करता हूँ, क्योंकि काफ्स को वो रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो नीचे वाला पैर का एरिया होता है वो वैसे हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि वो काफ्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसको भी हम लोग ऐसे सीधा ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये पैर सीधा है उसका। ये ज़रा कट भी रखते हैं, बॉक्स को ज़रा छोटा करते हैं, और एक बात आप ध्यान में रखना, ये मतलब छोटी सी चीज़ है पर ये ड्राइंग में बहुत अफेक्ट करती है। बहुत सारे लोग या मैं खुद ऐसा करता था पहले कि ये वाला जो ये वाला पैर का हम लोगों ने इतना थाइज जो है हमारी वो मैंने 2 सेंटीमीटर की बना ली। अभी मेरे बस मेजर नहीं किया है, बस ऐसे एग्जांपल लेते, ये 2 सेंटीमीटर की बनाई और ये उससे छोटी बना दी या बहुत बड़ी बना दी, ऐसा कभी मत करना। आप मतलब ज़रा सा 1-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो तो वो ठीक है, पर ज़्यादा छोटा बड़ा मत करना, क्योंकि वो फिर अजीब लगता है। तो वो आप ध्यान में रखना कि मतलब आपने जितना उसको बनाया है उतना ही बनाना है, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करना। तो अभी मैंने इसको लगभग देखा जाए तो हाँ इतना ही बड़ा लिया है। फिर यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना देंगे और यहाँ से ऐसा काप का एरिया बना देंगे, काप हो गई हमारी, ठीक है। अब हम लोग हैंड बनाना सीखेंगे, हैंड को कैसे ड्रॉ करें। तो अभी सबसे पहले हम लोग इधर ये बना देते हैं पहले से एरिया, तो वो ड्रॉ करने के लिए ये नॉर्मल शेप ही है। आपको स्केलेटन देखोगे तब भी आपको ये समझ में आ सकता है कि ये शेप कैसा है। तो पेल्विस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल ऐसा शेप बना देंगे, आपको आ जाएगा समझ में वो रिबकेज सॉरी स्केलेटन को देखोगे। तो ये हमारा पेल्विस एरिया का हो गया। अब हम लोग रिबकेज को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो अभी हम लोग पूरा सेम टू सेम तो ड्रॉ नहीं करेंगे, रिबकेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक सर्कल बना देंगे, सर्कल या ओवल वो आप देख सकते हैं, वैसे सर्कल ही बनाएंगे पर मैंने ओवल बनाया है। तो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। तो हम लोग जैसे हमारा ये रिबकेज हो चुका है, तो अभी हम लोग इसमें ऐसा ये कैविटी बना देंगे। रिबकेज में ऐसी कैविटी होती है आपको स्केलेटन में भी दिखेगी, और इसको ऐसे डार्क कर देंगे लाइंस ड्रॉ करके। तो रिबकेज में आपको उधर ये कैविटी दिख रही होगी, ऐसी कैविटी होती है, इसमें भी यहाँ होती है, पर उसको हम लोग अभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लोग बस ऐसे रिबकेज से इसे ज्वाइंट कर देंगे। और अभी मुझे एक हैंड जो है उसकी जेब में, जैसे उसने जेब में डाला है, तो ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देंगे उसकी यहाँ पे जेब है, तो ऐसे जेब में डाले। और ये वाला हाथ तो उसने ऐसे पैर पे रखा है, ऐसे पैर पे रखा है उसने। तो अभी इसमें मैंने क्या किया है, शोल्डर को सर्कल से रिप्रेजेंट किया है मैंने इधर, हाथों को भी हम लोगों ने वैसे किया, रुको इधर मेरी गड़बड़ हो गई है,
मैंने जो बोला था उसको ध्यान में रखा, तो मैंने इसको इतना बड़ा छोटा बनाया और इसको इतना बड़ा बनाया, ऐसा नहीं होगा। ये पार्ट ज़रा बड़ा होगा और नीचे होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा मेज़रमेंट होता है वो बहुत, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत काम का होता है। अगर हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी पैर अजीब लगने लगती है। तो ये लगभग, हाँ मैंने इतना ही लंबा बनाया और इसको यहाँ, हाँ तो फिर ये हम लोगों का नॉर्मल शेप हो गया। अब मैंने जैसे इसमें आपने देखा, हम लोगों ने अभी ये हेड ड्रॉ करना सीख लिया, ये हम लोगों ने हेड ड्रॉ कर दिया है, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। रिबकेज हम लोगों ने अभी सीखा कैसे बनाते हैं, ये पेल्विस एरिया हम लोगों ने सीखा। अब मैं आपको बेसिक मसल स्ट्रक्चर बता दूंगा। मैं इधर ऐसे बाइसेप्स वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं करने वाला, बस नॉर्मल हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मसल स्ट्रक्चर को। तो अभी मैं वो बताता हूँ आपको। तो अगर आप वो मसल स्ट्रक्चर को आप देख लें तो उसमें आपको दिखेगा कि, मतलब दिखेगा तो नहीं, पर हम लोग मसल स्ट्रक्चर को सिर्फ एक सिलेंडर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पहला सिलेंडर हो गया, ये हमारा दूसरा सिलेंडर हो गया। तो हम लोग ये जो मसल्स हैं उनको नॉर्मली सिलेंडर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नॉर्मली हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी आप शोल्डर बना ना, आप इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा रिपकेज है, रिपकेज हो गया, ये हम लोगों ने ये वाली जो लाइन बनाई थी वो वाली लाइन है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है। तो अभी आपने, तो मतलब स्टार्टिंग में मैंने ये शोल्डर को बहुत छोटा बनाया था, पर अभी आखिरी में आपने देखा कि मैंने ये शोल्डर बड़ा कर दिया, क्योंकि मैं ये जो बना रहा हूँ कैरेक्टर, ये मुझे चाहिए कि एकदम बॉडी बिल्डर। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि आप शोल्डर कैसे बना रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अगर पतले लोग बना रहे हैं तो शोल्डर जो है वो छोटा हो जाएगा, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स सारी मसल्स छोटी हो जाएंगी, रिब्स छोटी हो जाएगी। और इसकी हाइट ज़रा छोटी बना रहा हूँ मैं, तो मैं वो देखता हूँ कि कैसे। और रिबकेज में आप और क्या कर सकते हैं कि ऐसे लाइन बना सकते हैं, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। जब मैं आपको वो शेडो एरिया वगैरह बताऊंगा तब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ऐसे लाइन क्यों ड्रॉ करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा जब हम लोग शेडो वाला सीखेंगे। तो अभी आपको मैं ये बता रहा था, तो ऐसे मैंने हैंड बनाया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये पूरा रफ है तो उसमें इतना कुछ नहीं, तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मैंने आपको बताया सिलेंडर बनाने हम लोगों को, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, शोल्डर को यही रहने देते हैं। अब अगर आपने किसी भी इंसान का शोल्डर देखा हो तो वो ऐसा नहीं होता, समझ लो यहाँ पे सर्कल है, ये हमारा शोल्डर एरिया है, और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वो ऐसे निकल गए, ऐसा नहीं होता है। शोल्डर हमारा जो है ऐसा हो कुछ हिसाब से होता है, उसमें जो सर्कल होता है वो बड़ा होता है। और हमेशा सर्कल बनाते वक्त ये याद रखना, ये जो साइड की ये जो लाइन है हमारी जिसमें हम लोग सर्कल बनाएंगे, ये तो जो लाइन है हमारा सर्कल उनसे बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग उससे ऐसे मतलब बाहर निकलना चाहिए वो सर्कल। जैसे अभी आप इसमें देख सकते हैं, ये जो लाइन है हमारी, मेरा सर्कल उससे बाहर निकल रहा है। तो अगर हम लोग वैसे करके देखें, ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर इसमें ये सर्कल जो है वो बाहर निकल जाए। तो अभी इसको हम लोग ड्रॉ करें, इसको यहाँ पे हमारी ट्राइसेप्स, ये बाइसेप्स, यहाँ पे हमारा नॉर्मल है। तो अभी अगर हम लोग देखें तो वो अभी ज़रा ठीक लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन में वो ऐसा ही होता है। इसको हम लोग छोटा नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि फिर वो ख़राब लगता है, मतलब अजीब लगता है। हमारा शोल्डर जो है वो बड़ा होता है, मतलब बॉडी से ज़रा बाहर निकलता है। तो वही सेम चीज़ अब हम लोग इधर कर देते हैं, सिलेंडर बनाएंगे हम लोग, सिलेंडर बना देंगे इधर हम लोग को, शोल्डर को बड़ा करेंगे वो दो लाइन से, और यहाँ पे ऐसा एक ड्रॉ कर देंगे। तो अभी आप लोगों को अभी ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा हिंज होता है, यहाँ से हमारी जो वो हमारा हाथ है वो बेंड होता है, तो वो हम लोग इधर ऐसे सर्कल बना सकते हैं, नहीं बनाना तो नहीं बनाए। और हम लोग पैर को भी वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, हम लोगों ने हाथ को नॉर्मली ऐसे नॉर्मल सिलेंडर में रिप्रेजेंट किया था, पैर को हम लोग ऐसे यू शेप वाले सिलेंडर में रिप्रेजेंट करेंगे। इतना भी ज़्यादा भी यू शेप नहीं बनाएंगे, कम यू शेप वाले सिलेंडर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इधर देखो, ये यहाँ से मैंने ऐसे लिया है, तो ऐसे सिलेंडर है ये नॉर्मल, पर यू शेप ज़्यादा है, वो ही हम लोग यहाँ कर देंगे। यहाँ पे हम लोग वैसे ही कर देंगे, और यहाँ से हम लोग फिर ऐसे एक और सिलेंडर बना देंगे, ऐसे सिलेंडर। और अभी पैर को हम लोग ये बॉक्स को ज़रा छोटा कर देते हैं,
और पैर को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हम लोगों ने जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था वैसे ट्रायंगल बना देंगे, अभी हम लोग लेग पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और हाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसे ये वाला शेप बना देंगे, ट्रेपेजियम ये शेप बना देंगे। तो वही जो अभी मैंने वहाँ किया था तो वही यहाँ पर भी करते हैं। वही चीज़ हम लोग यहाँ कर देते हैं, एक और सिलेंडर बनाते हैं, ये सिलेंडर बना लिया हम लोगों ने। अब ये जो पूरा जो मैंने बनाया है वो पूरा एकदम ऐसे एक्यूरेट नहीं है, पूरा जो है रफ है, पर इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोगों को दिख रहा है कि रिपेज है, ये पैर, ये हाथ है, मतलब ये पूरा रफ है, इतना भी एक्यूरेट नहीं है, पूरा रफ स्केच है, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर ड्राइंग करके फिर इसको रिफाइन स्केच में अभी बनाएंगे, पर अभी ये पूरा रफ है। और अभी जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं तो हम लोग उन्हें देखते हैं कि उनका गला ऐसे सीधा नहीं होता, उनका गला ऐसे साइड से निकला हुआ होता है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं या तो एक अकेला ऐसे निकला हुआ मसल वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ड्रॉ करें। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको रिपेज से जोड़ देते हैं, वैसा नहीं करना, उसको शोल्डर से जोड़ना होता है हमें। यहाँ पे एडम्स एप्पल बना देंगे यहाँ से लाइन के लिए। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसी चीज़ को हम लोग करते हुए, जैसे ये फ्रंट था तो इसी चीज़ को करके हम लोग यहाँ से फिर चेस्ट ड्रॉ करना सीखेंगे। पर आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, चेस्ट वाली वीडियो में मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बेसिक यही होता है। अगर आपको ये अच्छे से आ गया, इसमें आप लोग अलग अलग पोज कैसे ड्रॉ करें वो अच्छे से आ गया, तो फिर आप मसल ड्रॉ करना तो बहुत ईजी काम है, बस ज़रा सा उसमें मेहनत लगता है, वरना बहुत ईजी काम है वो उसको ड्रॉ करना, तो आप उसके लिए टेंशन मतलब बहुत ईजी है। तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, पर पहले आपको ये सीखना पड़ेगा इसमें बहुत सारे पोज कैसे बनाते हैं वो सीखने पड़ेंगे। तो अभी मैं इसमें आया है वो पूरा एकदम ऐसे एक्यूरेट नहीं है, पूरा जो है रफ है, पर इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोगों को दिख रहा है कि रिपकेज है, ये पैर, ये हाथ है, मतलब ये पूरा रफ है, इतना भी एक्यूरेट नहीं है, मतलब पूरा रफ स्केच है, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर ड्राइंग करके फिर इसको रिफाइन स्केच में अभी बनाएंगे, पर अभी ये पूरा रफ है। और अभी जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं तो हम लोग उन्हें देखते हैं कि उनका गला ऐसे सीधा नहीं होता, उनका गला ऐसे साइड से निकला हुआ होता है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं या तो एक अकेला ऐसे निकला हुआ मसल वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ड्रॉ करें। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको रिपकेज से जोड़ देते हैं, वैसा नहीं करना, उसको शोल्डर से जोड़ना होता है हमें। यहाँ पे एडम्स एप्पल बना देंगे यहाँ से लाइन के लिए। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसी चीज़ को हम लोग करते हुए, जैसे ये फ्रंट था तो इसी चीज़ को करके हम लोग यहाँ से फिर चेस्ट ड्रॉ करना सीखेंगे। पर आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, चेस्ट वाली वीडियो में मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बेसिक यही होता है। अगर आपको ये अच्छे से आ गया, इसमें आप लोग अलग अलग पोज कैसे ड्रॉ करें वो अच्छे से आ गया, तो फिर आप मसल ड्रॉ करना तो बहुत ईजी काम है, बस ज़रा सा उसमें मेहनत लगता है, वरना बहुत ईजी काम है वो उसको ड्रॉ करना, तो आप उसके लिए टेंशन मतलब बहुत ईजी है। तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, पर पहले आपको ये सीखना पड़ेगा इसमें बहुत सारे पोज कैसे बनाते हैं वो सीखने पड़ेंगे। तो अभी मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। तो मैं अभी आपको दो तीन पोज ड्रॉ करके सिखाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा तो मैं आपको दो तीन मतलब क्या बोलते पोज ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी तो इसमें मैंने मसल वगैरह सब ड्रॉ कर लिया, पर जो ना पूरा बेसिक है, एकदम फुल्ली बेसिक है, वो हमारा स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, एक सर्कल, जॉ एरिया, एक लाइन शोल्डर रिप्रेजेंट करने वाली लाइन, पेल्विस एरिया वाली लाइन, और ये, और ऐसे हाथ रिप्रेजेंट करने वाली लाइन। ये आपका पूरा बेसिक है, इसमें फिर हम लोग ऐसे रिपकेज डाल देंगे, ऐसे रिपकेज रिपकेज ड्रॉ कर देंगे हम लोग ऐसे, फिर यहाँ पे ये ड्रॉ कर देंगे। तो आपका बेसिक जो मैंने आपको बताया अभी वो पूरा बेसिक है। आपको अगर पोज ड्रॉ करना है तो आपको उनसे ही पोज ड्रॉ करने, जैसे अभी इसमें मैंने एक बॉक्स के ऊपर पैर रखा हुआ बनाया, हम लोग और पोजेस बनाते हैं। ये वाले पोज में मैं चाहता हूँ कि वो जैसे मसल दिखाते हैं बॉडी बिल्डर वैसे ड्रॉ करने, तो सबसे पहले सर्कल बना देंगे, बीच में लाइन, जॉ ड्रॉ कर देंगे, फिर एक लाइन बना देंगे बीच में मेन जो हम लोग लाइन बनाते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे शोल्डर ड्रॉ कर देंगे, पेल्विक एरिया हो गया, लेग सीधे बना देंगे, यहाँ पे छोटे से सर्कल लेग सीधे बना दिए। और अब वो जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हाँ वो ऐसे कुछ करके दिखाते हैं, शोल्डर से ज़रा ऐसे वो नीचे होते हैं, ये मैं केस सीधा कर देता हूँ, शोल्डर से वो ज़रा ऐसे नीचे उनका हाथ होता है यहाँ पे, हाँ करेक्ट, ये शोल्डर होता है उनका, यहाँ पे ऐसे रिपकेज भी ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे ऐसा पेल्विक एरिया, ये रिपकेज
और ऐसा ऐसा ड्रॉ कर देंगे। फिर अभी हम लोगों को ये शोल्डर बड़ा कर देंगे, यहाँ से इसका लाइन बना देंगे, यहाँ पे ऐसे मसल ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे मसल। और पार्सल बनाते वक्त मतलब अभी ये पूरा रफ है, मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं बाइसेप मसल वाली वीडियो में, तो मैं वो आपको पूरा सिखा दूंगा। तो हम लोग ऐसे अलग अलग पोज ट्राई करेंगे। ये वीडियो को डालने के बाद मैं आपको ज़रा सा टाइम दूंगा, उन दिनों में मैं आपको मतलब आप पोज बनाना कैसे बनाते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे पोज ड्रॉ करके देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में कम एंड परफेक्ट। तो आप ऐसे पोज जितना ट्राई करेंगे, जितना पोजेस बनाएंगे आप, वो आपको मतलब सिखाएगा कि हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे पोजेस ड्रॉ करके ट्राई किए थे। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया, यहाँ पे इसमें अलग से पोजेस बनाए, तो मैंने भी बहुत सारे पोजेस ट्राई किए हैं। इसमें देखो मैंने ये पूरा ड्रॉ किया है, तो बहुत सारे मैं आपको पोजेस ड्रॉ करना सिखाऊंगा। मतलब पोजेस तो आपको अभी प्रैक्टिस करके बनानी, मैं आपको बस एक वीक या चार पाँच दिन का मैं आपको टाइम दे दूँगा, उसमें आप अलग अलग पोजेस ड्रॉ करना सीख सकते हो, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बस अब मैं आपको 3/4 और साइड एंगल पे आपको ड्रॉ करके ड्राइंग बता देता हूँ। तो ये पहले पेज निकाल देते हैं, ये पेज निकाल दिया। अभी मैं आपको साइड एंगल पे ड्रॉ करके बता दूंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। साइड एंगल पे ड्रॉ करने पे आपको चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, क्योंकि साइड एंगल पे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें जो भी मैंने आपको यहाँ पे ऐसा सिखाया है, ऐसा ड्रॉ करके आपको सिखाया है, उसमें वो सब ज़्यादा लागू नहीं होता, क्योंकि साइड एंगल पे हम लोगों को जो ड्रॉ करना होता है वो मैं आपको अभी ज़रा सा ड्रॉ करके बता दूंगा। तो जैसे मैंने बताया था, सर्कल हमेशा सर्कल ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। जॉ लाइन में हमारा चेंज आएगा, जॉ लाइन में हमारा चेंज आ गया। और जो मैंने आपको बताया था ये वाली लाइन, बीच वाली जो हमारा डायरेक्शन बताती है, तो उसमें ये वाली लाइन जो है हम लोग अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा नॉर्मल जो फेस होता है सीधा फेस, उसमें हमारी लाइन बीच में होती है, यानी वो सामने देख रहे हैं। 3/4 में वो साइड हो जाती है, यानी वो साइड देख रहे हैं, पर अभी वो पूरा ही साइड देख रहा है, तो उसकी लाइन जो होगी वो इधर होगी, और उसे ड्रॉ करने से कोई फ़ायदा नहीं। बस हम लोग आँखों वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी। बस अब हम लोग इसमें से सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे शोल्डर, यहाँ पे भी एक सर्कल बना देंगे, ये पहले से लिया। और पैरों को आप लोग देख सकते हैं कैसे बनाना है, आप वो लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे बनाए पैरों को, एक पैर आगे एक पैर पीछे। हाथों को हम लोगों पर यहाँ से हमारा हाथ यहाँ जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे पॉकेट है तो वो वहाँ जा रहा है, तो हम लोग वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पे शोल्डर है, ऐसे शोल्डर ड्रॉ करते हैं। मतलब ये पूरा मैं आपको बता भी रफ डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ इसको। पर एक चीज़, जब भी आप ड्रॉ करें तो नीचे का जो है उसको लाइट कर ले, पूरा एडिट ना करें, लाइट कर ले। तो अब ये ऐसे शोल्डर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा हेड था, हेड में ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे नोज ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मेरा ऐसे स्माइली माउथ, और फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे नेक ड्रॉ कर देंगे, शोल्डर हमारा उधर है, यहाँ पे हम लोग ट्राइसेप्स ड्रॉ कर देंगे। अभी तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है विदाउट सिलेंडर की, पर आप अगर ड्रॉ करें तो आप सिलेंडर के साथ ही ड्रॉ करें। वैसे मुझे ड्रॉ तो नहीं करना चाहिए विदाउट सिलेंडर, पर प्रैक्टिस हो गई है, तो आप ड्रॉ करें तो विदाउट सिलेंडर ही ड्रॉ करें, मैं विद सिलेंडर ही ड्रॉ करें, सॉरी। तो ये हमारा नेक हो गया, ये हमारा हैंड हो गया, ये ज़रा हैंड मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, छोटा कर देंगे। यहाँ पे मसल ड्रॉ कर देंगे, ये वाली जो मसल्स हैं इनके बारे में मैं आपको हैंड ड्रॉ करते वक्त बता दूंगा। यहाँ पे फिर हमारी ऐसे चेस्ट हो जाएगी, यहाँ पे फिर साइड में हमारी ईजी है चीज़ ये सब, बस साइड में आप ज़रा हार्ड पड़ता है, यहाँ से ज़रा से फूला हुआ,
वैसे ड्रॉ कर देंगे हम लोग। तो साइड साइड में अगर हम लोग ड्रॉ करना है तो हम लोग तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, पर ये साइड में बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इसमें जैसे आप ही मैंने आपको बताया था नॉर्मली ऐसे ड्रॉ नहीं किया जाता साइड में। अगर हम लोग ड्रॉ करें साइड में आप लोगों को पूरा डिफरेंटली ड्रॉ किया जाता है, इससे साइड में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो वो मैं आपको अगर एक अगली वीडियो में, मतलब कि आपको कोई डिफरेंट वीडियो चाहिए तो फिर मैं आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं कि आपको साइड के लिए डिफरेंट वीडियो चाहिए, तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कैसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं आप साइड में। कोई भी अगर आपको कैरेक्टर ड्रॉ करना है तो आप उसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं साइड एंगल में, तो मैं उसमें आपको एकदम अच्छे से बता दूंगा। तो आप अगर आपको चाहिए डिफरेंट वीडियो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के दे दूंगा। अब मैं आपको एक 3/4 एंगल पे एक ड्राइंग करके बता देता हूँ। 3/4 एंगल यानी ना फ्रंट ना ज़्यादा साइड, मतलब ऐसा कुछ। तो अभी 3/4 में हम लोगों को जैसे मैंने बताया था सर्कल हमेशा सर्कल ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा होगा सर्कल हम लोग सर्कल ही रखेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर जॉ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जॉ ड्रॉ करने के बाद हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये लाइन मैंने आपको बताया था सीधी ड्रॉ करें, पर अभी हमें इधर तेजी ड्रॉ किया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई कोई हम लोग फोटो देखते हैं तो उसमें जो बंदा होता है वो आगे की तरफ ऐसे झुका होता है, मतलब उसकी फीट ऐसे आगे की तरफ टेढ़ी होती है, तो उसमें तो हम ये लाइन को ऐसे सीधा नहीं ड्रॉ कर सकते। तो आपको जैसा पोज चाहिए उसकी मतलब उसको ध्यान में रखिए, आप ऐसा इसको ड्रॉ करें। अगर कोई आपको ऐसे कोई कैरेक्टर बनाना है जो बहुत वीक है तो आप उसका ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई कैरेक्टर बनाना है जो एकदम सुपर हीरो सुपरमैन वगैरह, तो उनका ऐसे हो जाएगा चेस्ट एकदम ऐसे आगे की तरफ निकालते रहते हैं वो लोग, उनका ऐसे हो जाएगा। कोई नॉर्मल तो वो सीधे हो जाएंगे, तो उसको ध्यान में रख के आप लोग ये लाइन को चेंज कर सकते हैं। तो अब ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे दो सर्कल, रिब केज। अब रिब केज में मैंने आपको बताया था ऐसे ड्रॉ करना है नॉर्मल सेमी सर्कल। तो अभी 3/4 एंगल पे हमारा रिब केज कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा हमारा रिब केज 3/4 एंगल पे। नीचे का ये वाला कैविटी जो है वो कुछ इस तरह दिखेगी, यहाँ पे पेल्विस एरिया, ये ऐसे जॉइंट पैर, मतलब कि वो ऐसे टेढ़े खड़े थे। और हाथ वैसे ही ड्रॉ कर देंगे, इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, हो गया हाथों को ऐसे इनवर्स। और पैरों को जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ड्रॉ कर देंगे पैरों को, हम लोग सिलेंडर बना देंगे। तो ये हमारा 3/4 का पोज हो गया, मैंने भी नहीं हुआ। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारा 3/4 का पोज। वो जो इंसान है वो साइड में देख रहा है, अभी आपको अच्छे से दिखाया नहीं होगा 3/4 का, पर जब हम लोग चेस्ट ड्रॉ करेंगे ऐसे चेस्ट ड्रॉ करेंगे, ये नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं और आई ड्रॉ करेंगे, तब आपको जब हमारा रिफाइंड वर्क जो आएगा तब आप उसमें देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से पता चलेगा कि ये 3/4 है, तब अच्छे से समझ में आएगा आपको कि ये 3/4 एंगल पे ड्राइंग है। तो ऐसे कुछ पोज मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। अब आप अलग अलग पोज ट्राई करके देख सकते हैं कि आप लोग कैसे अलग अलग पोज ड्रॉ करें, मतलब कोई बैठा हुआ, खड़ा, लेटा हुआ, अलग अलग पोज ट्राई करके देख सकते हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर एक वीक से पहले या 4-5 दिन से पहले आपको कोई वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में आपको 20 लाइक्स का टारगेट मैं दे रहा हूँ। 20 लाइक्स होने के बाद मैं आपको वो जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगा 20 लाइक्स के बाद। तो अगर आप लोगों ने मुझे 20 लाइक्स दे दिए तो फिर मैं वो जो वीडियो है वो पहले अपलोड कर दूँगा उसके टाइम से। तो अभी मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में इतना ही। तो आप बस ये पोज आप जितना मतलब सीखना चाहते हैं ये एनाटॉमी, तो उतना ज़्यादा आप पोज ड्रॉ करके सीखो, क्योंकि पोज जो है ना वो बेसिक है, पूरा बेसिक। अगर आपको पोज नहीं आए तो आप मतलब आपका भी कॉमिक कुछ बनाओगे तो फिर अगर आपको पोज ही नहीं आए तो फिर आप वो कॉमिक में सिर्फ एक एंगल से तो सारे कैरेक्टर नहीं ड्रॉ कर सकते ना, उसमें अलग अलग आपको पोज में ड्रॉ करना पड़ता है। तो अभी आपको अगर कोई एनाटॉमी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो फिर आप अलग अलग पोज ट्राई करें, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखें। और मैं आपको ये भी बोल दूँ कि जब मैंने ड्राइंग करना शुरू किया था तो मुझे भी पोजेस बिल्कुल अच्छे से नहीं आते थे, तो मैंने क्या किया, रेफरेंस इमेज ले ली कि मतलब ऐसे गूगल पे सर्च किया कि कोई भी मैन सिटिंग ऑन चेयर, तो उसको देख के मैंने उसको
नॉर्मली ऐसे मैंने ड्रॉ किया। चेयर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, चेयर हमारी, ये हमारी चेयर हो गई, ऐसे हमारा हेड हो गया साइड एंगल पे, यहाँ पे हमारे ये हो गया साइड एंगल पे, तो शोल्डर ऐसे होगा यहाँ पे हम। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, मैंने बताया कि नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस एरिया को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे लोग उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन से हम लोग ऐसे पैर ड्रॉ कर देते हैं और सर्कल से हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप लोग कैसे ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैंने तो दोनों सीख लिए, साइड एंगल पे मैं सर्कल का यूज़ करता हूँ, फ्रंट या थ्री फोर्थ में मैं लाइन का यूज़ करता हूँ, पर मुझे, मैं आपको बताऊँ तो मुझे लाइन ज़्यादा इजी लगती है, पर साइड में मुझे सर्कल ज़्यादा इजी लगता है। तो वो आप देख सकते हैं, फिर ऐसे पैर ड्रॉ कर दिए, हाथ ऐसे ड्रॉ कर दिए, हाथ अगर उन लोगों ने ऐसे रखे होंगे तो मैंने वैसे ड्रॉ कर दिए, वैसे नहीं। हाथ तो ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे ड्रॉ करें हाथ पैर वगैरह को। पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि रेफरेंस इमेज लेने में कोई बुराई नहीं है, बस आपको वो रेफरेंस इमेज को अपना बता के नहीं डालना होता है, तो आप कॉपी कर सकते हैं वो ऐसे कोई भी रेफरेंस इमेज लेके आप उसको डिफ्रेम करके ऐसे, मतलब ऐसे स्केलेटन जो हम लोगों ने सिंप्लीफाइड स्केलेटन में ड्रॉ किया है, तो आप वो देख सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इजी वाले रेफरेंस इमेज लो, जैसे कि कोई इंसान सीधा खड़ा है, जैसे कि अब इसमें मैंने लिया है सीधा खड़ा है वो, स्टार्टिंग में इजी लो। फिर जब आपको ऐसे इजी वाले आर्ट डिफ्रेम अच्छे से हो गए आपसे वो डिफ्रेम, मतलब कि कोई रेफरेंस इमेज में आपको पूरा मसल वगैरह ड्रॉ करा है, तो अगर उन आपसे वो अच्छे से डिफ्रेम हो गए कि मतलब आप उसको ऐसे ड्रॉ कर पा रहे, तो फिर आप ज़रा हार्ड वाले ले सकते हैं, जैसे कि इसमें वो ज़रा टेढ़े खड़े हैं, थ्री फोर्थ एंगल पे हैं, बैठे हुए हैं या हाथ ऊपर कर रहे हैं उन लोगों ने, तो आप वैसे हार्ड ले सकते हो। पर आप पहले इजी वाले लो फिर हार्ड पे जाओ, तो वो आपको मतलब आप उससे अच्छे से सीख सकते हो। तो आपकी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी।